अरे यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ आके नाश्ता करो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? तुमने रात से कुछ नहीं खाया, आके थोड़ा सा नाश्ता कर लो। हाँ, चाय ठंडी हो गई है, मैं ऐसा करती हूँ तुम्हारे लिए गर्म चाय बना कर लेकर आती हूँ। तुमने इससे पूछा भी है किसने अपना घर क्यों छोड़ा? अम्मी, क्या हो गया आपको? उसको नाश्ता तो करने थे। ये बातें बाद में भी हो सकती है ना। बाद में अल्लाह जाने कितनी देर हो जाए। हमने इसे पनाह दी, अगर मोहसिन अली को पता चल गया तो पता नहीं वो क्या कर डाले। कम से कम हमें सच्चाई तो पता होनी चाहिए। अम्मी, बाद में बात करेंगे ना इस बारे में, अभी प्लीज रहने दे। मेरी सच्चाई अलीजे से मुख्तलिफ नहीं है, ना ही उसकी कहानी से अलग है। उस घर में जो कुछ अलीजे के साथ हुआ सब मेरे साथ भी होने वाला था। क्या मतलब? लेकिन तुम्हारा रिश्ता तो उस घर से दोहरा है, और अलीजे बता रही थी तुम्हारी शादी तबरेज से होगी। उस घर में रहने वालों का ताल्लुक किसी से नहीं है सिवाय पैसे के, और वो इसलिए मेरी शादी तबरेज से करवाना चाहते थे क्योंकि उस प्रॉपर्टी में मेरा और अरहम का भी हिस्सा है। जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे यही ठीक लगा। मैं नहीं चाहती थी मैं और अरहम की सब कुछ बर्दाश्त करें, इसलिए मैं वहां से भाग कर आ गई। एक और बात, अली से तुम्हें तायाबू ने अगवा करवाया था, ये बात मैं और तबरेज नहीं जानते थे। वो बेचारा तो अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। उन्होंने हमसे यही कहा कि तुम खुद कहीं चली गई हो, हम नहीं जानते थे ये सब। मैं उन सबको पहचान ही नहीं पाई, लेकिन तबरेज वो ऐसा नहीं है। ये भी तो मेरी माँ की जगह पर थी, पता नहीं कैसे किया उन्होंने मेरे साथ। परेशान नहीं हो तुम? देखो, नहीं परेशान बिल्कुल ना। मैं समझ रही हूँ।